आप सब लोगों ने इस बुक के लिए इतनी रिक्वेस्ट की, तो ये शॉर्ट रिव्यू आप सबके लिए। हे गाइस, मैं हूं रौनक, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। आज का ये रिव्यू बड़ा ही शॉर्ट होने वाला है, लेकिन शॉर्ट में ही ये बुक, क्योंकि बुक ही शॉर्ट है तो रिव्यू भी शॉर्ट ही होने वाला है। ये बुक ही अराउंड है 124 पेजेस की। अगर आप बुक की साइज़ देखोगे तो बहुत ही छोटी है। बुक का नाम आपको टाइटल से पता चल ही हो गया होगा, घाचर घोचर। ये 2015 में लॉन्च हुई थी और ये मैंने बुक बहुत पहले पढ़ी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, आई गेस, ये बुक बहुत सारी फिर से पॉपअप होने लगी और बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने ये रिकमेंड की है। इवन बुक समेज ने भी ये रिकमेंड की थी, हेली ने भी रिकमेंड की थी। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, और इसका रिव्यू मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। 2015 में ये बुक लॉन्च हुई थी, विवेक शानबाग ने ये बुक लिखी थी। एक्चुअली ये बुक रिटन इन द कन्नड़ा, उसके बाद ये इंग्लिश लिटरेचर में ट्रांसफर हो गई थी। बुक ही बहुत ही शॉर्ट है, बुक की ज़्यादा पेजेस नहीं है। अगर आप किंडल पे भी पढ़ते हो तो अराउंड 60-80 पेजेस की बुक है, और पेपर बैक में कुछ अराउंड 124 पेजेस की बुक है। साइकोलॉजिकल ड्रामा नोवेला है। नोवेला पढ़ने में यही एक अलग ही मज़ा होता है, यानी कि बहुत ही शॉर्ट होती है। और विवेक शर्मा ने जिस टाइप से ये बुक लिखी है ना, ओ माई गॉड, डेफिनेटली हैंड्स डाउन विनर फॉर दिस बुक। ये बुक एक्चुअली शॉर्टलिस्ट भी हो गई थी, दो प्राइज़ के लिए एक्चुअली ये बुक शॉर्टलिस्ट हो गई थी। उसका नाम भी मुझे याद नहीं है, बट लेट्स टॉक अबाउट द प्लॉट ऑफ दिस बुक। तो ये बुक एक्चुअली बेंगलोर में सेट है। अगर आप में से कोई मुझे बेंगलोर में से देख रहा है तो कमेंट करके मुझे बताओ, शायद मैं कभी बेंगलोर विजिट करूँगा तो आपको डेफिनेटली मिलूँगा। तो ये बुक बेंगलोर में सेट है, एक फैमिली के बारे में है, यानी कि राइट टू रिचेस की स्टोरी है। यानी कि एक फैमिली बहुत ही पुअर होती है और वो जो जो चीज़ें करती है, यानी कि वो अपना एक सोना मसाला का बिज़नेस शुरू कर देती है, और सोना मसाला के बिज़नेस में वो बहुत ही सक्सेसफुल हो जाती है और एक रिच फैमिली बन जाती है। जब ये बुक फिनिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि लाइफ इज़ अ फुल सर्कल। लाइफ जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे ही जाके एंड हो जाती है। इस बुक का वो एक मीनिंग है। सेकेंड, ये बुक आपको पढ़नी चाहिए कि आपको मनी आपको कैसे कंट्रोल करता है। मतलब जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आप मनी 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 हमेशा करते हो कि यार आपको मुझे पैसे चाहिए, फैमिली को पैसे चाहिए, सारी चीज़ों के लिए पैसे चाहिए। और जब पैसे इतने सारे आ जाते हैं तो पैसे आपको कंट्रोल करता है। ये मुझे लगा कि ये इस बुक का कोर मीनिंग है, क्योंकि जब आप गरीब होते हो तो आपको पैसे बहुत चाहिए, और जब आप रिच बन जाते हो तो आपको पैसे आपको कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके लाइफ में हो जाती हो, आप किस हद तक जाते हो पैसे कमाने के लिए, या पैसे आते हो तो आप क्या 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 चीज़ें करते हो, तो उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक फैमिली की वजह से, कि जो बहुत ही पुअर फैमिली है, चिपका, उसके फैमिली मालती, और एक एक्चुअली नैरेटर है कि जिसके नैरेटर के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। एक कॉफ़ी शॉप में वो बैठा होता है और अपनी पूरी स्टोरी बता रहा है, मतलब जो जो चीज़ें उसने देखी वो सारी चीज़ें वो बता रहा होता है। लेकिन साइकोलॉजिकल ड्रामा बहुत ही डेंजर है, बहुत ही शॉर्ट बुक है। आई विल हाईली रिकमेंड टू रीड दिस बुक। तो वो उनके फैमिली एक सोना मसाला का बिज़नेस शुरू कर देती है और सब कुछ वो चीज़ें हो जाती है, और सब कुछ सबको अब पैसे की ज़रूरत नहीं होती, सबका अकाउंट में हमेशा पैसे आ जाते हैं और कोई अब सोचता नहीं पैसे खर्च करने के लिए। मतलब अगर अंबानी बन जाओ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी चीज़ें चाहिए वो खरीद लो, आपको थोड़ी बहुत एथिक्स, थोड़ी बहुत मैनर्स तो चाहिए। और उसके बाद नैरेटर की, यानी कि उसमें एक शादी हो जाती है और अंकिता नाम की एक फेमिनिस्ट उस घर में आ जाती है, और वो सबको क्वेश्चन करती है कि यहाँ पे कोई काम क्यों नहीं करता, सोना मसाले का बिज़नेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ काम भी नहीं करना, आपको कुछ तो काम करना होगा, हमेशा आप घर पर पड़े नहीं रह सकते। ये सारी चीज़ें उसमें पता, क्योंकि वो काइंड ऑफ फेमिनिस्ट होती है और उसे लगता है कि यार खुद की लाइफ है तो खुद पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, खुद को अगर जीना है तो खुद पैसे कमाना ज़रूरी है, किसी की विल पे या किसी की उसने फैमिली ने पहले ही कुछ करके रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन पे ही डिपेंडेंट रहो। तो यहाँ पे मनी का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो एंड में जो होता है, मतलब वो फेमिनिस्ट हो जाती है तो उसके घर वाले उसे अपोज करने लगते हैं। ऑब्वियसली नैरेटर उसे उतने ज़्यादा अपोज नहीं करता, मतलब उसमें घर में उसकी माँ होती है, पिताजी, मालती वगैरह, ये जो बाकी सारे कैरेक्टर है वो उसे अपोज करने लगते हैं। और उसके पुराने घर के यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ होता है, यानी कि काइंड ऑफ अ मर्डर वाला इंसिडेंट हुआ होता है। तो और उसके उस टाइम पे उस अंकिता की एंट्री हो जाती है, उसकी शादी वगैरह हो जाती है। तो इसकी जो एंडिंग है, यानी कि 80 चैप्टर्स थे एक बुक में। फर्स्ट जो चैप्टर है शायद आपको थोड़े बहुत कन्फ्यूजन लग सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी शॉप से स्टार्ट होती है और एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चैप्टर 3 के बाद आप एक मिनट भी नहीं रुक सकते हैं बुक पढ़ने के लिए। तो इसमें से मैंने स्पॉयलर तो कुछ नहीं लिखे, लेकिन इसमें जो एंड जो होता है, यानी कि एंड अगर आपने पढ़ा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपने बुक पढ़ी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि एंड में आपको क्या लगा, किसने क्या किया होगा, क्या एक्चुअल में हुआ होगा, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे ओपन लूप्स है। आप जो भी इमेजिन करो
उसके आपको आंसर्स मिल जाएंगे। इवन आई एम कन्फ्यूज्ड हो कि इसके एंड में क्या होगा, मुझे भी पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे यू नो थ्रेड्स कनेक्ट कर सकते हैं, ये हुआ होगा, ये नहीं ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता है, ऐसे बहुत सारे इसमें से थ्रेड्स है। और ये बुक बहुत ही ओपन एंड पे क्लोज हो जाती है, तो इसलिए ये बुक पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। आई विल हाईली हाईली रिकमेंड। अगर आप 124 बुक की पेजेस की बुक नहीं पढ़ सकते तो आप लाइफ में आई गेस कुछ नहीं कर सकते, इतना ही मुझे लगता है। लेकिन इसका जो मीनिंग है यानी कि हाउ मनी कंट्रोल्स यू, वो मुझे डेफिनेटली अच्छा लगा। डेफिनेटली हैंड्स ऑन डाउन 5-star रेटिंग आई विल सजेस्ट फॉर दिस बुक, क्योंकि इतनी शॉर्ट टाइम में, इतनी शॉर्ट पेजेस में अगर आपको इतना सब कुछ ड्रामा मिल जाता है तो डेफिनेटली हैंड्स डाउन फॉर दिस बुक आई विल हाईली हाईली रिकमेंड। अगर आपने पढ़ी है तो कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको क्या लगा। अगर आप पढ़ने वाले हो तो डेफिनेटली जाइए, ये बुक खरीदी कीजिए और पढ़िए। अभी तक इतनी अच्छी बुक्स मुझे बहुत कम टाइम में मिली है, तो आई विल हाईली सजेस्ट टू गो एंड रीड दिस बुक। And that's all for today's video. See you in the next one. Bye bye, Tata. Take care.